अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा और डेली टेक न्यूज़ की एक और फैशन एक्साइटेड एपिसोड में खुशामदीद। और यहाँ पर है मेरे पास बहुत ही कमाल की डेली टेक न्यूज़। तो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आई है वो है 3G और 4G यूज़र्स की तरफ से। 3G और 4G यूज़र्स क्रॉस हो गए हैं 59.48 मिलियन सितंबर के दौरान, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि 3G और 4G के यूज़र्स काफ़ी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि ठीक है, यूज़र्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो नेटवर्क्स हैं ना उनको भी कुछ अच्छे बंडल्स लेके आना चाहिए ताकि 3G 4G को अच्छे तरीके से किसी अच्छे पॉजिटिव वे में कंज्यूम किया जा सके। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो जैज की तरफ से, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जैज ने क्रॉस की है एक लिमिट, और वो लिमिट ये है कि उन्होंने किया फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। अब जैज की एक नई एप्लीकेशन निकल गई है जिसका नाम है जैज ट्यूब, जो कि एक टीवी एप्लीकेशन है। अब ऐड के अंदर बताया जा रहा है कि ये पहली ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान के अंदर, जबकि ये कम्प्लीटली फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि इस तरह की पहले एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका नाम है PTCL TV स्मार्ट। अगली न्यूज़ में निकल गई वो द्रास की तरफ से, draas.pk लेकर आ रहा है अली बाबा की 11.11 सेल पाकिस्तान के अंदर। ये हर साल सेल होती है अली बाबा के ऊपर, काफ़ी मेगा सेल होती है, तो डेफिनेटली सेल काफ़ी कमाल की निकल कर आने वाली है। ये चीज़ स्टार्ट हुई थी 2009 के अंदर 11 नवंबर को, तो ये इस साल पाकिस्तान के अंदर आएगी, तो डेफिनेटली आपको draas.pk के ऊपर अगले महीने काफ़ी कमाल की सेल डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो शॉमी की तरफ से, शॉमी के ब्रदर ने मी मिक्स 3 के कुछ कैमरा सैंपल्स शेयर किए, उनके मैं पिक्स यहाँ पर डाल दूंगा। मी मिक्स 3 के रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो जाकर चेक कर लो, ज़रूर चेक कर लेना, और फ़ोन भी आने वाला है तो उसके ज़रिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो नेयरटेल की तरफ से, नेयरटेल ने अपने पैकेजेस की जो प्राइसिंग है उनको कर दिया इंक्रीज। उसकी रीज़न है डॉलर की जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रही है। डेफिनेटली अब ये सिर्फ नेयरटेल या इंटरनेट पैकेजेस के साथ ही नहीं है, सैमसंग ने अपने फ़ोन के प्राइसेस को बढ़ा दिया है, इस तरह बाकी चीज़ों की भी प्राइसेस बढ़ गई है। जो मार्केट है उस पर काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि हर चीज़ की प्राइस इतनी बढ़ गई है, लेकिन जो क्लाइंट है जिसको आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं वो अभी भी उस प्राइस पे नई प्राइस के ऊपर कोई भी चीज़ परचेस करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस के जो मामला है पाकिस्तान के तो काफ़ी डाउन जा रहे हैं। और कुछ यही इस तरह हो रहा है जो जिस तरह की ये कंपनीज है, जो कि मीडिया कंपनीज है, नेयरटेल हो गया, PTCL हो गया या और सैमसंग हो गया, इन चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगली न्यूज़ निकल के वो उबर की तरफ से, उबर ने लॉन्च की है हेलिंग सर्विस रिक्शा की पेशावर के अंदर, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि इनकी सर्विस जो रिक्शा की सर्विस है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी रीज़न क्या है उसके रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी मैं कोई भी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ, तो वो करके मैं उसके उबर करीम की रिक्शा सर्विस के रिलेटेड डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा। अगली न्यूज़ जो निकल गई वो है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का 6D जो है वो आएगा एंड्रॉयड 9 पाई के साथ, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। लेकिन एंड्रॉयड 9 जो है वो वन प्लस 5 और 3 सीरीज़ के लिए थोड़ी देर के लिए डिले करती है, मे बी कोई इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हो, लेकिन अभी वो थोड़ी देर के लिए डिले है। और वन प्लस 6T के अंदर आपको नया यूज़र इंटरफेस वन प्लस की तरफ से देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ निकल की है वो है गूगल की तरफ से, गूगल ने कहा था कि Pixel 3 XL की और Pixel 3 की जो कि सॉरी Pixel 3 XL की जो डिस्प्ले है वो बनाई है LG ने, OLED पैनल है। अब इसको iFixit ने ओपन किया और ओपन करके पता चला कि ये जो डिस्प्ले इन्होंने यूज़ किया है वो एक्चुअल में सैमसंग का OLED पैनल डिस्प्ले है। तो ठीक है, सैमसंग डिस्प्ले तो अच्छे बनाता है, लेकिन एटलीस्ट अपने जो लोग जानना चाहते हैं, जो मीडिया वाले लोगों को एटलीस्ट बात तो सही तरीके से बताई जाए। और जो गूगल का इवेंट था ना वो भी बड़ा फजूल किस्म का था, पता नहीं क्यों। एनीवेज, ये थी कुछ आज की डेली टेक न्यूज़। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।